सरकार मुंबई में लगाएगी 700 नए वाईफाई स्पॉट्स। बाल ठाकरे के निधन के बाद बुलाए गए बंद के विरोध में फेसबुक पर पोस्ट करने वाली लड़कियों को मुआवजा नहीं देगी सरकार, 2012 में किया गया था गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में रेप पार्टी पर पुलिस की छापेमारी, राज्य के आला अधिकारियों के बेटों पर शिकंजा। नासिक के एक पौष इलाके में मनाई जा रही थी रेप पार्टी, 5 लड़कियों समेत कुल 13 गिरफ्तार। सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान की किताब मास्टर्स ऑन मास्टर्स का लोकार्पण, निर्देशक करण जौहर ने किया लोकार्पण। मुंबई में गायिका आशा भोसले ने किया पंडित पंडारीनाथ कोल्हापुरे मार्ग का उद्घाटन, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर समेत कई कलाकार रहे मौजूद। अब बेटा इरफान खान की तस्वीर सोशल मीडिया में हुई वायरल, तस्वीर में लहंगा चुनरी पहने दिखाई दिए इरफान। 1 अप्रैल से ऑनलाइन होगा सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन, पर सारा काम पेपरलेस और पारदर्शी होगा। अपनी जिंदगी पर किताब लिखना चाहते ऋतिक रोशन, कहा मैंने इस बारे में सोचा है लेकिन मैं लेखक नहीं। फिर मुंबई में लॉन्च हुआ टीवी सीरियल जाट की जुगनी, शो के कलाकारों ने की शिरकत। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने खुद को प्रेग्नेंट होने की अफवाहों को किया खारिज, ट्वीट करके बताया कि अभी नहीं बच्चे की प्लानिंग। शाहरुख की द रिंग और अक्षय की टॉयलेट, एक प्रेम कथा पर्दे पर दिख सकती है साथ साथ, 11 अगस्त को हो सकती हैं दोनों फिल्में रिलीज। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, थाने की अदालत ने दोनों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी मामले में वारंट जारी किया। अभिनेता सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट ने रिलीज से पहले ही 20 करोड़ का किया कारोबार, सोनी म्यूजिक ने खरीदे 20 करोड़ रुपए में म्यूजिक राइट। शाहरुख के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया समन, रईस के प्रमोशन के दौरान वडोदरा स्टेशन पर एक शख्स की मौत के मामले में कार्रवाई।